जहां एक तरफ सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आदि का नारा देने का काम कर रही है तो दूसरी ओर उसके उलट बेटियों पर लगातार अत्याचार की बातें सामने आ रही हैं। इसी क्रम में एक और नाबालिग बेटी के साथ दरिंदगी का मामला सामने आया है। जनपद के सरायकेला थाना क्षेत्र के घोसरिया गांव के बाहर खेत की तरफ अकेली दलित युवती को किसी कार्य से जाते देख वहां पहले से मौजूद दरिंदगों ने मानवता की सारी हदें पार करते हुए दलित युवती के ऊपर भूखे भेड़िए की तरह टूटते हुए गैंग रेप को अंजाम दिया। उन दरिंदगों के आगे हाथ पैर जोड़ती रही लड़की, लेकिन हवस के नशे में चूर दरिंदगों को जरा भी तरस नहीं आई। ऐसे में आसपास के खेतों में काम कर रहे लोगों ने कानों तक जैसे ही युवती की चीखने की आवाज़ पहुंची तो लोगों ने मदद के लिए दौड़ लगाई। तभी लोगों को अपनी ओर आते देख लड़की को छोड़ भागने लगे। बाकी दरिंदे तो भागने में सफल हुए, लेकिन एक दरिंदे को लोगों ने दौड़कर पकड़ने में सफलता हासिल कर ली। सरायकेला थाना क्षेत्र को सौंपकर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग की है। जैसे ही रेप की घटना युवती के परिजनों और ग्रामीण लोगों ने सुनी उनके होश उड़ गए और इस घटना से उग्र हुए लोग काफ़ी मात्रा में एकत्रित होकर सरायकेला थाना का घेराव कर मांग की कि भागे हुए अन्य सभी दरिंदगों को जल्द से जल्द पुलिस गिरफ्तार कर जेल की सलाखों के पीछे कर इन दरिंदगों के साथ कड़ी से कड़ी सजा दी जाए ताकि भविष्य में किसी के साथ भी ऐसी घटना ना घटित हो सके, रेप से पीड़ित युवती को सही मायने में न्याय मिल सके। बहुत गलत किया, हमने खेत की तरफ घास काटने गए थे, फिर उसके बाद उन लोगों ने हमने नहीं देखा है, फिर बगीचे में गए थे तो उन लोगों ने पीछे से हमको गिरा दिया है, फिर उन लोगों ने हमारा मुंह दाब लिया है, फिर बहुत हमारे साथ गलत किया, फिर हम उसके बाद छुड़ा के भागे हैं तो फिर उसके बाद खेत में गिर गए थे। कौन लोग थे? कौन लोग थे? मुस्लिम। कहाँ के रहने वाले? घुसिया। कहाँ पे भागे हैं? काम मार के गिरा के बगीचे में गए थे। मेरी लड़की के तीन लोग बलात्कार किए, इसलिए मैं रिपोर्ट लिखाने थाने गया तो वहाँ मुझको अंदर पीटा। कौन? पुलिस वाले। क्यों? इसकी वजह वो ही बता सकते हैं सर। अब आप लोग ने क्या किया? हमको बैठा लिया, आने नहीं दिया वहाँ से। फिर बाद में पब्लिक गई तो आने दिए हमको यहाँ पर। क्या नाम है आपका? जयराम। एक 14-15 साल की लड़की के साथ रेप की घटना हुई है। तीन लोगों ने उसमें रेप किया गया बताया जा रहा है। अभी तहरीर आई है, मुकदमा कायम किया जा रहा है। एक व्यक्ति की अरेस्ट हो गई है, शेष दो के अरेस्ट का प्रयास कर रहे हैं। जो पीड़िता है उसको मेडिकल के लिए अस्पताल में भेज दिया गया। हम लोग जा रहे हैं पीड़िता से भी बात करने के लिए। सारी कानूनी कार्रवाई की जा रही है। पीड़िता का पिता का आरोप है कि वो थाने में शिकायत करने आया था। नहीं, मुझे अभी ऐसा कोई आरोप नहीं लगाया उसने। उसको विधायक जी के पास जाना पड़ा था एफआईआर लिखे। नहीं, एफआईआर तो अभी लेके 5 मिनट पहले आए हैं, वो आया ही नहीं है एफआईआर लेके। इस प्रकार की बात कोई नहीं है। मैं तो यहाँ 4 बजे से इसी थाने में बैठा हूँ। अभी इसको तस्दीक करते हैं। अभी इस बात को अभी कहना ठीक नहीं होगा जब तक हमें प्राप्त नहीं हो जाता है वीडियो। कमला देवी फ्रूट एंड वेजिटेबल कंपनी, आलू प्याज लहसुन तरबूज और फल एवं हरी सब्जी के थोक आदि एवं कमीशन एजेंट एंड सप्लायर्स। हमारा पता है दुकान नंबर 30 लोही की सीढ़ी, खुला चबूतरा, नवीन सब्जी मंडी, स्थल मुनेरा, इलाहाबाद। हमारा फोन नंबर है 9026830490798529373636 और आप हमसे संपर्क कर सकते हैं 9696697571।